अभी दुकान हमने ढंग से ओपन तक नहीं किया, चोरी पहली होगी। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फिलहाल मैं स्कूल से वापस आ गया हूँ, एग्जाम लगे हैं तो जल्दी फ्री होते हैं, अदरवाइज तो हमें 3 बजे छुट्टी होती है। आजकल मैं ना रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना। आज से मैं अपना ब्लॉगिंग रूटीन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, पहले मैं डेली वीडियो डालता हूँ, अब मैं कोशिश करूँगा एक दिन ड्रॉप करके डालूँ। ऑलमोस्ट मैंने 150 की ब्लॉग डाल चुका हूँ, तो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मैं ये तो नहीं बोलूँगा, बड़ी ग्रो हो रहा है, बड़ा धीरे ग्रो हो रहा है चैनल मेरा, और कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कोशिश करूँगा कंटेंट में, मतलब कंटेंट अच्छे जनरेट करूँगा जिससे कि वीडियो थोड़ी अच्छी जाए। फिलहाल थोड़ा रेस्ट करते हैं, अभी क्लासेस का टाइम भी होने वाला है। अभी लगने वाली है मेरी एक ऑफलाइन क्लास जो मतलब अकेडमी में लगती हैं, और एक लगी ऑनलाइन। तो आज 2 क्लासेस हैं, जैसे 3 थी पर हमने एक ऑफ कर दी। एक्चुअली क्या सीन था कि बच्चे कम हो गए थे एग्ज़ाम के कारण, तो हमने मिक्सअप कर दिया बच्चों का, तो बच्चों का हमने एक ही बैच बना दिया है और दूसरे बैच में हम रेस्ट करते हैं। मतलब 3 घंटे की क्लासेज होती हैं, 1 घंटा क्लास है, फिर थोड़ा 1 घंटे का रेस्ट है, फिर 1 घंटे का क्लास है। तो वैसे तो हमारी सारी की सारी क्लासेज ऑफ हो गई हैं, पर अब हम जाने वाले हैं पार्क, क्योंकि बहुत दिनों बाद जाने वाले हैं। बारिश नहीं हट रही है, डेली बारिश हो रही है, तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है अपनी, इसीलिए तो फिर से कोशिश करते हैं प्रैक्टिस सेक्शन स्टार्ट करने का। हम काफ़ी दिनों बाद प्रैक्टिस करने पहुंच गए हैं, काफ़ी दिनों बाद मार रहे हैं भाई हड्डियां, कड़ 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 कर हमने कम से कम गौरव एक मत बार ट्राई किया है ना, गणेश चतुर्थी से पहले आते थे, तो काफ़ी दिनों बाद ट्राई कर रहे हैं। बॉडी दर्द करेगी, आज नींद भी नहीं आई शायद, बेंडिंग नहीं आ रही है पता, अच्छे से मैं ये टक नहीं कर रहा हूँ अच्छे से, इस बार करूँगा। क्या था ये भाई, नहीं बज रही आज, नहीं बज रही है ना, हमें तीन चार दिन कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ी अच्छी होगी। कल भी प्रैक्टिस करेंगे, और यार इतना गोबर है ना कसम से भाई, गोबर पे बैठ गया है, कितना गोबर है पता है, ये गोबर, ये इससे कितनी बार छटा हूँ मैं। तो फिलहाल काफ़ी यार प्रैक्टिस कर ली है, और बहुत दिनों बाद की है ना, तो आज गिर पड़ रहे हैं, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं, यही सीन होता है जब आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं ना, इतनी फ्लिप्स वगैरह होती है, चीज़ें ऐसी होती है कि आप एकदम प्रैक्टिस छोड़ दो ना तो भूल जाते हैं, और फिर मतलब एक दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता पूरा भूल जाते हैं, हाँ एक दिन करना पड़ता है, फिर वैसे की वैसे हो जाती हैं। तो निकलते हैं रूम के लिए, अब नितिन को कॉल करना है, शायद उसको भी कोई काम होगा, उसने बोला था कि आने से पहले कॉल कर लेना, तो उसको कॉल करते हैं, शायद उसको काम हो, बुढ़ी बुढ़ा के मैं काम हूँ, कोई चौधरी होगी वैसे। हमारे साथ पोपट हो चुका है, पीछे ताला लग चुका है, अब क्या करें भाई हम, अच्छा बहुत सारे रास्ते हैं वैसे, यहाँ नीचे से जाएंगे अभी हम, किसी भी चीज का नशा नहीं किया, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता, ऐसे ऐसे लोगों से भी मैं काफी दूर ही रहता हूँ, तो मेरी जो सोसाइटी ऑलमोस्ट जितने भी बंदे होंगे सब ऐसे ही होंगे कि मतलब अच्छे लोग होंगे। ओ भाई हाँ, ये भी कुछ खाता पीता नहीं है, पर आने वाले टाइम का पता नहीं क्या सीना खाएगा कि मेरा छोटा भाई है वो भी वैसा ही है, अभी तक उस पर विश्वास है कि वो भी उल्टा टांग काम नहीं करता, उल्टा टांग मतलब ये कोई नशा वगैरह नहीं करता है, हमारी जितनी भी वो है वो कोई नशा नहीं करते, ब्रेम भाई नशा नहीं करते, अजय भाई नशे नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, इसीलिए हम 5-6 बंदे इकट्ठे रहते हैं जो कुछ भी खाते पीते नहीं है। तो गाइस मैं भी सबको ये एडवाइस दे सकता हूँ कि कोई भी नशा वगैरह ना करे, नशे नुशे में कुछ भी नहीं है भाई, चल ठीक है बाय बाय बोल दे सबको, बाय, और एक और चीज बोल दे जरूरी, ऐसे बोलूंगा, ऐसे बोलेगा बोल जल्दी। तो गाइस जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लो, हमारे बनके हो जाएंगे तब हम ड्रोन और गोप्रो ले लेंगे, जिससे आपको अच्छे अच्छे व्यू मिल सकेंगे, और आपको हर जगह घुमाएंगे, अच्छी अच्छी जगह पे घुमाएंगे, बाय बाय एंड गुड नाइट। चल ठीक है बाय, ओ एलिमेंट दे जाओ भाई। तो गाइस गौरव तो निकल गए, अब अपन भी निकलते हैं। तो वैसे तो गाइस मैं बुडिंग में पहुंच चुका हूं, कुछ नितिन ने कुछ काम दिया था, और पहले उसने मेरे को बैड न्यूज़ सुनाई नितिन ने, मेरे को विश्वास नहीं हुआ भाई, यहाँ से चोरी हो चुकी है, अभी दुकान हमने ढंग से ओपन तक नहीं किया, चोरी पहली होगी। मैंने बाहली साइड ना, जैसे ये दरवाजा है ना बाहली साइड का, वहाँ पे मिरर रखा था, मतलब मेरी हाइट का शीशा था, तो वो चोरी हो गया भाई। अभी हमने वैसे और भी शीशे रखे हैं वहाँ पे ना, पर वो शीशा था जैसे फेस देखने वाला, ये दूसरे शीशे हैं, जो ये वाले शीशे हैं ना, ये वाले शीशे रखे हैं यहाँ पे मत रखने के लिए, तो ये वाले शीशे भी बाहर रखे हैं। इसके बाद हमने जो फेस देखने वाला शीशा होता है ना बड़ा सा मेरी एज का, वो रखा हुआ था, वो मिस हो गया। अब किसी को क्या बोल रहे, देखा भी नहीं है ना, यहाँ नितिन को बोलूँगा कैमरे को मुझे लगाए भाई, एक आपको मैं दिखा देता हूँ वैसे कहाँ रखा था, यहाँ रखे थे हमने इस बोर्ड के पास ही रखे थे बाहरी तरफ ना, जैसे यहाँ पे रखे थे, इसलिए नितिन का फ़ोन आया था कि इनको भी उठा के अंदर रख दें, तो मैं इनको अंदर रख लेता हूँ भाई जल्दी से। तो पिछले वीक ही बैजनाथ में हुई थी एक, वहाँ पे तो ना काम करने वाले घरों पे मेड नहीं रखी होती हैं, उन्होंने भाई 22 लाख रुपये उड़ा दिए थे कैश, घर में काम करते करते उन्होंने
22 लाख रुपए उड़ा दिए थे। तो उनको फिर पकड़ लिया बाद में, तो उनसे 8 लाख ही कवर कर पाए थे। तो सभी ध्यान रखें, यहाँ पे थोड़े दिन पहले दोस्त था मेरा, तो उसकी बाइक वगैरह चोरी हुई थी। हमें बड़ा खुश हो रहा है ऐसा सीन। सभी अपने सामान का सभी ख्याल रखे भाई, कुछ भी हो सकता है। चलिए छोड़ो, बुरे जो भी हुआ ठीक हुआ। अब सारा का सारा सामान वैसे जो भी शीशे बाहर थे मैंने अंदर रख दिए हैं, अब निकलते हैं भाई। पर इस साल ये पहली बार इतना हो रहा है, वैसे बैनर्स में होता नहीं है, आल हिमाचल में ऐसे नहीं होते हैं, पर पता नहीं क्यों हो रहा है, पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सभी अपना अपना चीज़ों का खुद ध्यान रखें भाई। तो फिलहाल गाइस लेते हैं अलविदा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बैजनाथ वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, जय शंकर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।